सुप्रभातम बच्चों, मैंने आपको एकादशह पाठ पढ़ा दिया था और उसके शब्दार्थ भी करा दिए हैं। ठीक है बच्चों, आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में प्रश्न एक, मंजूषां विलोक्य उचितेन पदेन रिक्त स्थानानि पूरयतु। ठीक है, इसमें नीचे मंजूषा दी हुई है, उसमें आपको लगाना है एषा एतत्, ये किस में आएंगे, और चटका गज कमलम। ठीक है ना, तो मैंने आपको पढ़ाया था एषा किसके लिए प्रयोग होता है, एषा किसके लिए प्रयोग होता है, एतत् किसके लिए प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क, एषः, एषः क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग में क्या आ गया, ये गजः, हाथी। ठीक है, इसमें आ गया गजः। ख, इसमें डैश रमेशः, ठीक है ना, इसमें रमेशः क्या है, ये भी पुल्लिंग है, इसमें क्या आएगा, एषः। ठीक है, उसके बाद ग, इसमें दिया हुआ एषा, ठीक है ना, एषा क्या है, ये स्त्रीलिंग, इसमें क्या आएगा, ये चटकह, चिड़िया क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है ना, उसके बाद घ डैश रमा, रमा क्या है, ये स्त्रीलिंग है ये, तो इसमें भी क्या आएगा, ये एषा। ठीक है, उसके बाद है ड एतत्, एतत् क्या आएगा, इसमें एतत् का मतलब क्या है, नपुंसक लिंग, जो वस्तुएं होती हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या आएगा, ये कमलम। ठीक है, तो इसमें देखिए च डैश उद्यानम, ठीक है, उद्यानम क्या है, ये वस्तु, नपुंसक लिंग, ये चल फिर नहीं सकती ना, तो इसमें क्या आएगा, एतत्। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए प्रश्न दो, मंजूषां विलोक्य उचितेन पदेन रिक्त स्थानानि पूरयतु। मंजूषा लेके आपको ये जो दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान आपको इसमें भरने हैं। ठीक है, मंजूषा में एषः एषा एतत्, ठीक है ना, एषः का मतलब पुल्लिंग, एषा स्त्रीलिंग, एतत् नपुंसकलिंग। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए क, क में क्या है, डैश कह, ठीक है ना, कह किसके लिए प्रयोग हुआ, पुल्लिंग के लिए, तो इसमें क्या आएगा, एषः। ठीक है, उसके बाद ख में देखो डैश राघवः, राघवः क्या है, इसमें पुल्लिंग, तो इसमें क्या आएगा, एषः, इसमें भी आएगा एषः। ठीक है, ग डैश का, का में क्या है, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग आएगा काका, ठीक है ना, तो इसमें क्या आएगा, एषा, क्या आएगा इसमें, एषा। उसके बाद है घ माता, माता क्या है, स्त्रीलिंग, इसमें क्या आएगा, एषा। ठीक है, ड किम, किम नपुंसक लिंग, वस्तु है, ठीक है ना, किम क्या पूछ रहा है ये, तो इसमें क्या आएगा, एतत्। ठीक है ना, च वातायनम, इसमें क्या आएगा, एतत्। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए प्रश्न तीन, मंजूषां विलोक्य उचितेन पदेन रिक्त स्थानानि पूरयतु। पूरयतु, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, मंजूषा दी हुई है, एषः पत्रम एतत् शिवः चटका माला। ठीक है ना, ये खाली स्थान है, आपको पिक्चर को देख के, चित्र को देखकर आपको मंजूषा में से ये शब्द लिखने हैं आपको। ठीक है, इसमें देखिए क, ये क्या है, ये चिड़िया बनी है ना, तो इसमें क्या है, एषा, तो क्या आएगा इसमें, चटका। ठीक है, ख, ये शिवजी हैं, तो इसमें है एषः, क्या आएगा, ये शिव। ठीक है, ये पत्ता बना हुआ है, तो एतत् पत्रम। ठीक है, उसके बाद घ, ये है माला, एषः एषा, सॉरी बच्चों, यहाँ पे आएगा एषा माला। ठीक है ना, उसके बाद ये फल है, यहाँ पे आएगा एतत् फलम। ठीक है, और च में देखिए ये किसकी तस्वीर बनी है, ये हनुमान जी की, तो इसमें क्या आएगा, एषः। ठीक है ना, ये पुल्लिंग है ना, तो इसमें आएगा एषः हनुमानम। ठीक है बच्चों, ये जो अभ्यास कार्य है आपको अपनी बुक में ही करना है। सुप्रभातम बच्चों।